जब कोई कलाकार किसी चित्र के निर्माण के बारे में सोचता है तो उसके जहन में कई विचार होते हैं। उन आइडियाज में वो उन्हीं का चयन करता है जिसके सहारे वो अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सके। नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में आयोजित सामूहिक कला प्रदर्शनी टर्मिनल कॉस्मोलॉजी में भी कलाकारों ने अपनी कृतियों के सहारे प्रभाव छोड़ने की कोशिश की। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन उमा रवि जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें भाग लेने वाली सभी कलाकार महिला थीं। इनमें पेंटिंग्स का एक विस्तृत और व्यापक कलापटल दर्शकों को देखने को मिला। महिला कलाकारों के इस कला मेले में विषयों की विविधता ने कला प्रेमियों को बहुत आकर्षित किया। तंजोर शैली में बनी कृतियां हम सबका ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वैसे ट्रेडिशनली तो इसमें पोस्टर कलर्स यूज होते हैं, बट मैंने इसमें काफ़ी सारे मीडियम्स यूज करे हैं, एक्रेलिक कलर्स से लेके वाटर प्रूफ इंक एंड ऑल, क्योंकि एलिबरेट करना होता है गोल्ड से, इसलिए थोड़ा सा उसमें देवी देवता ही, ट्रेडिशनली तो देवी देवता हैं, बट अभी मैं उस पर जो एक इंडियन मैथोलॉजी है जैसे शाकुंतलम है, गीत गोविंदन है, उस पर काम कर रही हूँ। कुछ चित्रों में पुरुष और महिला में होने वाले भेदभाव को बहुत ही संवेदनशील ढंग से पेश किया गया है। मैंने कुछ पेंटिंग्स में फीमेल्स के ऊपर जो आप देखेंगे, अभी भी हमारी फीमेल्स को जो है समान दर्जा नहीं मिला है मेल के समान, तो उसकी कहीं भी सेफ्टी नहीं है। दिन रात को वो ना अकेले निकल सकती है बाहर, ना उसके कोई सहारा है, और उसने, अगर आप इस पेंटिंग में देखें, मैंने एक पेंटिंग बनाई है द रिवेंज सोल, जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि द रेप इज़ जस्ट लाइक हर डेथ। उसमें जैसे हमारी डेथ के बाद हम, अगर आप देखें इस पेंटिंग में, मटके को हम तोड़ देते हैं, तो उसकी लाइफ का भी जो है अंत हो चुका है। तो बेसिकली मैंने फीमेल को लेके ही काम करने की कोशिश करी है। और मेरी एक पेंटिंग इसमें देखेंगे पीछे एक पेंटिंग में, तो उसमें मैंने गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस, जो एक मदर है वो दोनों में डिफरेंस दिखा रही है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर गर्ल है तो उसको स्कूल नहीं जाना है, सिर्फ उसको घर में ही काम करना है, उसको इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो बाहर जाके कुछ काम कर सके, लेकिन जो मेल है उसको पूरी फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकता है। कई बार अपनी कृतियों के सहारे कलाकार शांति और स्थायित्व तलाशने की कोशिश भी करते हैं। इस समय जो मैंने चित्र दिखाए हैं, दिव्य ज्ञान और ओम शांति, मेरा मेन थीम होता है आत्मा और परमात्मा को मिलन की जो स्थिति होती है उसको दिखाने की मैं चेष्टा करती हूँ। जो मेडिटेशन के टाइम हम फील करते हैं उससे थोड़ी कोशिश करती हूँ अपने कैनवास पे उतारने के लिए। पौराणिक आख्यान हमेशा से ही कलाकारों को बहुत प्रभावित करते हैं। इन ग्रंथों में कुछ पात्र ऐसे भी होते हैं जिसे चित्रकार अपने कैनवस पर सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में पेश कर उनके सहारे बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। मेरा कंपोजिशन बेस है बालकांड, रामायण के बालकांड पर बेस्ड है, और इसमें मैंने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ राम के बारे में दिखाने की कोशिश, एंड उनका एक एस्थेटिक जो सेंस आता है इस उसमें, इमोशंस दिखाने की मैंने कोशिश की, जैसे कि बचपन का स्टेज है, जैसे कौशल्या राम जी को चलते हुए चलना सिखा रही है, तो उसमें जो इमोशंस आते हैं उसको मैंने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है, प्योर कलर्स यूज़ किए हैं उसमें। मेरा मीडियम है एक्रेलिक ऑन कैनवास। कलर पैलेट के सभी रंगों के प्रयोग से इन महिला कलाकारों ने जिस सहज और सरल तरीके से अपने मनोभावों को साकार किया है वो अनुपम बन गया है।